हाँ बेटा, इसके पहले क्या पढ़े थे याद है कुछ? ठीक, कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे ना, कैपेसिटेंस पढ़े थे और फैक्टर्स अफेक्टेड टू कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो इसके बाद अब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, है ना? क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर ये ध्यान रखना, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है जो हमको सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्फेरिकल कंडक्टर लिखा है या कैपेसिटर लिखा है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, या इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछता है, क्या है? प्रूव दैट, प्रूव दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4πε₀ टाइम्स 4πε₀ टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, ऑफ इट्स रेडियस। यानी स्फेरिकल कंडक्टर का अगर रेडियस हमको मालूम है तो कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, 4πε₀ टाइम्स। ठीक, ये प्रूफ करना है। ठीक, लेकिन स्फेरिकल पहली बात, कंडक्टर दूसरी बात, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। देखो इधर भाई, मान लेते ये है सपोज एक स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज कैपिटल आर, रेडियस इज कैपिटल आर। कंडक्टर आइदर हॉलो और सॉलिड, ध्यान रखना भाई कंडक्टर है ना। व्हेन चार्ज इज गिवन टू एनी कंडक्टिंग बॉडी देन चार्ज स्प्लिट्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। तो अगर इस बॉडी को जैसे मान लो हमने चार्ज करे, तो इसको चार्ज मान लो हमने कितना दिए, सपोज क्यू, कितना चार्ज हम दे रहे हैं क्यू, तो ये चार्ज इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर देन चार्ज स्प्लिट्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो चार्ज कहां प्रेजेंट है, सरफेस में, लेकिन ये ध्यान रखना स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर, आपको कोई भी चीज अगर फाइंड करना है, चाहे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो चार्ज इज एज्यूम्ड एट इट्स सेंटर। चार्ज को हम कहाँ एज्यूम करते हैं, सेंटर में। क्यों ऐसा, ध्यान सुनो, एक्चुअल में चार्ज कहाँ है, सरफेस में है। एक्चुअल में चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस में, लेकिन कोई भी चीज कैलकुलेट करना है तो चार्ज हम कहाँ मान लेते हैं, सेंटर में। चार्ज कहाँ मान लेते हैं हम, सेंटर में। तो चार्ज हमने कहाँ मान लिए, सेंटर में। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? ठीक, ध्यान से सुनो, हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे आर डिस्टेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 1/4πε₀ क्यू बाई आर स्क्वेयर था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिंगल चार्ज पढ़े थे अपन ने। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम भी पढ़े थे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो स्फेरिकल कंडक्टर से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करे थे, याद करो, स्फेरिकल कंडक्टर
के सेंटर से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, कहाँ, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही आया था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होता है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में ये पढ़ा हुआ है, ठीक। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही होता है। तो यहां आप देखो, हालांकि वहां मैंने बताया था चार्ज है एक्चुअल में कहां, सरफेस में, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो यहां चार्ज कहां पर है, सरफेस में, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम उसको कहां मान सकते हैं, सेंटर में। कैलकुलेशन के लिए हम उसको कहां मान सकते हैं, सेंटर में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो बस वही चीज यहां पर है, ठीक है। चार्ज एक्चुअल में है कहां, सरफेस में। चार्ज कहां है, सरफेस में। सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा बिहेव करता है कि लाइंस कहां से आ रही है, सेंटर से। ऐसा लगता है कि कहां से आ रही है, सेंटर से। इसका मतलब चार्ज कहां रखा होगा, सेंटर में। भाई एक्चुअल में चार्ज है कहां, सरफेस में, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन अगर करना है तो चार्ज हम कहां एज्यूम करते हैं, सेंटर में। ये चीज ध्यान रखना, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो ये है एक्चुअल में एक स्फेरिकल कंडक्टर। क्या फाइंड करना है हमको, इसका कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है, इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर। भाई जितना इसमें चार्ज है वही चार्ज आप यहां लिखोगे। स्मॉल क्यू मानना है तो स्मॉल क्यू लिख लो, कैपिटल क्यू मान रहे हो तो कैपिटल क्यू लिखो, ठीक। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर कितना है, क्यू वी भर फाइंड कर लो, हो गया। वी का मतलब पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, वी का मतलब पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। भाई वैसे तो हम पोटेंशियल कहां फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर तो कहां, ओवर द सरफेस। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर केवल लिखा है, इसका मतलब कहां, सरफेस में। कहां पर, सरफेस में। तो चार्ज हम कहां एज्यूम कर रहे हैं, सेंटर में। चार्ज हम कहां एज्यूम कर रहे हैं, सेंटर में। और पोटेंशियल कहां फाइंड करना है, सरफेस में। पोटेंशियल कहां फाइंड करना है, सरफेस में। इसका मतलब चार्ज से कितने डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस में, ठीक। पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू। तो क्या है फॉर्मूला, 1/4πε0Q/R पोटेंशियल। पोटेंशियल मालूम है तो क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस, हो गया, प्रूफ हो जाएगा। देखो C इज इक्वल टू Q/V, तो अमाउंट ऑफ चार्ज Q, V की वैल्यू क्या है, 1/4πε0Q/R, Q कैंसिल,
फोर पाई एप्साइलॉन जीरो आर ये आ जाएगा ऊपर, ठीक। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया, देखो 4 पाई एप्साइलॉन जीरो आर ये ऊपर आ गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्साइलॉन जीरो इंटू आर, या ये बोल लें 4 पाई एप्साइलॉन जीरो टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। 4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू क्या बताओ, 4 पाई एप्साइलॉन भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में 4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा ना, तो 4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू क्या, 1/9 × 10⁹। क्यों भाई, 1/4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू, 4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1/9 × 10⁹, ठीक। न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, 1/4 पाई एप्साइलॉन जीरो, 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्साइलॉन जीरो की वैल्यू क्या, 1/9 × 10⁹, ठीक। प्रूफ हो गया हमारा, ठीक, ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्साइलॉन जीरो टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। अब 4 पाई एप्साइलॉन जीरो तो खैर कांस्टेंट वैल्यू है लिखा है, तो इसका मतलब इस रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ध्यान रखना, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। भाई रेडियस अगर कम है तो उसका कैपेसिटेंस भी कम होगा, उसका कैपेसिटेंस कम इसका मतलब वो अपने अंदर चार्ज कम स्टोर करेगा। लेकिन अगर स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा, और कैपेसिटेंस ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना और क्या, भाई अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल, और अर्थ कंडक्टर भी है, अर्थ कंडक्टर भी है। तो अर्थ का रेडियस हमको मालूम है, अर्थ का रेडियस आर कितना होता है, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू मालूम है हमको, लिखा है। तो हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, यानी इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो अर्थ का कैपेसिटेंस अप्रोक्सीमेट होता है 711 माइक्रोफेरड। याद रखना, अर्थ का कैपेसिटेंस एक्चुअल में कितना होता है, 711 माइक्रोफेरड। लेकिन ध्यान से सुनो, अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो। तो V इज इक्वल टू जीरो, तो C इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट। मतलब एक्चुअल में अर्थ का कैपेसिटेंस हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि अर्थ को आप कितना भी चार्ज दो उसके कैपेसिटेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, अर्थ के कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। भाई हर घर में अर्थिंग लगी रहती है ना, तो चार्ज कहाँ जा रहा है, अर्थ में जा रहा है। एक्चुअल में अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेरड होना चाहिए, लेकिन अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, जीरो, और V इज इक्वल टू जीरो, तो C इज इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट। तो अर्थ का पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, जीरो। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना, इनफाइनाइट, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक। सिंपल डेरिवेशन था भाई, स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज कितना है Q, तो पहले हमने इसका पोटेंशियल फाइंड कर लिया,
पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, क्या मतलब है इसका? पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर मतलब सरफेस में चार्ज है कहाँ, एक्चुअल में सरफेस में, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम कहाँ लेते हैं, सेंटर में। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस इसका मतलब एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज, चार्ज से आर डिस्टेंस में पोटेंशियल। पढ़े वी मालूम है तो क्या निकल गया, कैपेसिटेंस निकल गया। ठीक, तो रिजल्ट को क्या बोलोगे आप? कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4πε0 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। अब चूंकि 4πε0 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ठीक, ध्यान रखना है ना, एक क्वेश्चन ये सिंपल डेरिवेशन था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है सुन लो पहले। व्हाट इज अ कैपेसिटर, कंडक्टर नहीं बोल रहा हूं अब मैं, क्या बोल रहा हूं, कैपेसिटर। व्हाट इज अ कैपेसिटर एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कैपेसिटर एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक्चुअल में कंडेंसर, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर, अपनी सिंपल लैंग्वेज में है एक्चुअल में कंडेंसर, फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छा लगे बोलने में कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर क्या है, कंडेंसर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज, विच स्टोर द चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन स्मॉल स्पेस, इन स्मॉल स्पेस। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब भाई मान लो हमारे पास में एक प्लेट है, क्या है ये प्लेट, ध्यान समझना, प्लेट ए। अब इस प्लेट को अगर मान लो हम चार्ज करें, चार्ज इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस, इस प्लेट में चार्ज कितना है मान लो क्यू। ठीक है, मतलब इस प्लेट को अभी हम कितना चार्ज कर सकते हैं, क्यू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस, यानी इस प्लेट को मैक्सिमम हम कितना चार्ज दे सकते हैं, क्यू मैक्सिमम हम इसको कितना चार्ज दे सकते हैं, क्यू, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इस प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए तो हम इसको और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। अगर इसका कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कर दें, कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो अब इसको हम पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। ठीक, अब इस प्लेट ए का कैपेसिटेंस हमको इंक्रीज करना है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, तो फैक्टर्स अफेक्टेड टू कैपेसिटेंस पढ़े थे, सरफेस एरिया बढ़ा दें कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज तो करना है विदाउट चेंज इन इट्स शेप और इट्स वॉल्यूम। ठीक, विदाउट चेंजिंग इन इट्स शेप एंड वॉल्यूम, मतलब इसका शेप चेंज नहीं करना है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ाना है इसका, कैपेसिटेंस क्या करना है, बढ़ाना है। ध्यान से सुनो, तो क्या करें हम, इसके पास में एक अनचार्ज्ड प्लेट रखो, इसके पास में एक अनचार्ज्ड प्लेट बी,
जिसमें पहले से कोई चार्ज नहीं है, ठीक। बट व्हेन एन अनचार्ज्ड प्लेट इज प्लेस्ड नियर द चार्ज प्लेट देन अनचार्ज्ड प्लेट इज आल्सो गेट चार्ज, ठीक। ये प्लेट भी चार्ज हो जाएगी किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पढ़े ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मतलब इंडक्शन से इस प्लेट में चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब देखो यहां चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो नियर सरफेस में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। नियर सरफेस में चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। और फॉर सरफेस में सेम नेचर का, मतलब पॉजिटिव। एक बात बहुत ध्यान सुनना, इसमें इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा भाई, इस प्लेट में इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो मैंने बताया था ना शुरू में इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश अपोजिट नेचर का, ये वाला कितना होता है, क्यू वन माइनस वन अपॉन की, याद है कुछ, क्यू मतलब इंड्यूसिंग चार्ज और के क्या था, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इन विच चार्ज इज इंड्यूस्ड, जिसमें इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बताया था ना, याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक। चलो तो इस प्लेट में इंडक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, कितना निकाल सकते हैं। फिर मैंने एक चीज और आपको बताया था जो याद रखना है, अगर इंड्यूस्ड चार्ज मेटल में हो, मतलब इंडक्शन से अगर चार्ज कहां प्रोड्यूस हो, मेटल में, किसमें, मेटल में, तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज मेटल में। तो यहां इनर सरफेस में चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, आउटर सरफेस में चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू, ठीक है। देखो अब आप, अब देखो भाई हमको तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है ना, ये था हमारा चार्ज्ड कंडक्टर एंड वी आर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस चार्ज्ड कंडक्टर ए, इसका कैपेसिटेंस हमको बढ़ाना था, तो उसके लिए हमने इसके पास में एक अनचार्ज्ड प्लेट रख दी, तो इंडक्शन से इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इंडक्शन से इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इनर सरफेस में अपोजिट नेचर का, फोर्स आउटर सरफेस में सेम नेचर का, ठीक है। अब देखें हम, देखो ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, बट इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करता है, माइनस प्लस, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, प्लस प्लस, वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, इस नेगेटिव चार्ज का, क्यों, इसके ज्यादा पास में है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ज्यादा क्लोज है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, इस चार्ज्ड प्लेट ए का पोटेंशियल कम कर रहा था, ये इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इस चार्ज्ड प्लेट ए का पोटेंशियल कम कर रहा था। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ये इसका चार्ज थोड़ी कम कर रहा है, ये इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इस प्लेट का चार्ज कम नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसका क्या कम कर रहा है, पोटेंशियल। तो P
प्लेट ए का पोटेंशियल क्या हो गया, कम, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी इसके रखने से इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इसका चार्ज थोड़ी कम किया, ठीक। इस इंड्यूस्ड चार्ज ने चार्ज्ड प्लेट ए का पोटेंशियल क्या कर दिया, कम, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो ठीक है, ठीक, चलो देखो इधर। अब अगर इस प्लेट ए का कैपेसिटेंस और बढ़ाना हो, प्लेट ए का कैपेसिटेंस अगर और बढ़ाना हो, तो ध्यान से देखो, इस प्लेट को आप अर्थिंग कर दो, यानी इसमें हमने अर्थिंग लगा दी, ये अर्थिंग का सिंबल है। इस प्लेट के आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिए, अर्थिंग, तो क्या होगा, आउटर सरफेस में ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये कहां चला गया, अर्थ में। आउटर सरफेस में जो प्लस क्यू चार्ज था वो कहां चला गया, अर्थ में, ठीक। आउटर सरफेस में जो प्लस क्यू चार्ज था वो कहां चला गया, अर्थ में। बुक में लिखा ऐसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज विल गो टू अर्थ, पॉजिटिव इंड्यूस्ड मतलब आउटर सरफेस का चार्ज विल गो टू अर्थ, लिखा ऐसे रहता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ से उतने इलेक्ट्रॉन्स आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं। एक्चुअल में बताया था ना मैंने, अर्थ से इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, प्लेट में, और जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन बुक में लिखा ऐसे ही रहेगा कि इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज विल गो टू अर्थ। तो जब इस प्लेट को हमने अर्थिट करें तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां चला गया, अर्थ में, ठीक। तो अब देखो, इस प्लेट में इनर सरफेस में केवल नेगेटिव चार्ज बच गया, बस। प्लेट बी के इनर सरफेस में अब केवल नेगेटिव चार्ज है, आउटर सरफेस में जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो कहां चला गया, अर्थ में। इनर सरफेस में केवल नेगेटिव चार्ज बच गया, तो इसका प्रभाव, इफेक्ट पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कर क्या रहा था, क्या कर रहा था, ये चार्ज्ड प्लेट के पोटेंशियल को कम कर रहा था, और इसका इफेक्ट अब और बढ़ गया। इसका मतलब ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज इस चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को और कम कर देगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को और कम कर दिया, तो इस प्लेट का कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा, इस चार्ज्ड कंडक्टर का कैपेसिटेंस और बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कैपेसिटर, ये जो अरेंजमेंट आपको यहां दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, ठीक। तो व्हाट इज अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करोगे आप, कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान दो, ध्यान देना है ना, यस, जो दिख रहा है आप, ये जो आपको दिख रहा है ध्यान से सुनो, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स, एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स इन विच वन प्लेट इज आइसोलेटेड व्हाइल अदर प्लेट इज अर्थेड, व्हाइल अदर प्लेट इज अर्थेड, देन दिस अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटर। अरेंजमेंट ऑफ दीज टू प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटर। फिर से सुन लो, कैपेसिटर मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स इन विच
वन प्लेट इज आइसोलेटेड व्हाइल अदर प्लेट इज अर्थेड, व्हाइल अदर प्लेट इज अर्थेड, देन अरेंजमेंट ऑफ दीज टू पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर. ठीक, व्हाट इज अ कैपेसिटर एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये क्वेश्चन हो गया. ठीक, फिर इसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें अलग अलग कंडीशन है वो हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे, है ना. इसको पहले आप अच्छे से रिवाइज कर लेना. ओके.